सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार के कौमारी रूप संस्थान नारायण नमोस्तुते।
शंख चक्र गदा चक्र गृहीत परमायुध प्रसेनरेशवेरो नारायण नमोस्तुते गृहीतक महाचक्र दष्टादशवसुन्धर वराहरूपिणि शिव नारायण नमोस्तुते नृसिंहरूपेण क्रेण हण्डं दैत्याङ्कितमे त्रैलोक्यकारसहित नारायणि नमोस्तुते महावज्रसहस्रनज्ज्वल वृत्तसारहरे चन्द्रे नारायणि नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदत्ता महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दशाकरालवदने शिरामाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीलज्ज महाविद्ध शब्द पुष्टि सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्य नारायणि नमोस्तुते मेदे सरस्वती वर भूति ब्रवितामसि नियते त्वं प्रति देश नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयवस्त्रायिनो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नां सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रं हर्षशासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाले नमोस्तुते हिनसिजांसि स्वनेनापूर्या जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पाप्यभ्यो न सुधानि वसुरासर्वसा पङ्कचर्चितस्ते करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् रोगानशेषा नमः दुष्टा हृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रिताणां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एताकृतं या करण त्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपेणैके बहुदात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोऽधिकाम्या विद्यासुशास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु जगाद्वदन्या मम त्वकर्तेति महान्धकारे दिव्यामयत्येतदतीव विश्वं रक्षासि यत्र प्रविशाश्च नागा यत्रारयोदर्शवरानि यत्र गावानलो यत्र दधाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसि विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयाय त्वयि भक्तिनम्राः देवी परिपालयनारभेत नित्यं यथा सुरधा गुरुरेव सद्यः आवाणि सर्वजगता प्रशमन्नयाशु उत्पादपाकयिता च महापसर्गान् प्रदानां प्रसीदतां देवे विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामे लोकानामरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सुरगणा परं जन्म न चक्षत त्वं गुणद्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवावोचुः सर्वाबाधा प्रशमन त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी
एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भिर्विनाशनम् देव्योवाच वेदं सदयन्तरे प्राप्त अष्टाविंशतिमे युगे शम्भानुशम्भौ चैवानामुत्पद्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा तदतो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्योदयोदयेन रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यानिष्यामि व्यपजेतान् सुदानवान् पक्ष्यन्त्याच्युतानुग्रान् व्यपजित्वान् महासुरान् रक्तादन्ताभिषन्ते दारिमेकसमापमाः ततो मां देवता स्वर्गे मध्यलोके जमानवाः भुवन्तो व्याहरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकाम् भूयो च शक्यामनाभृष्टा मनमसि मुनिभे संसुता भूमा सम्भविष्यामि यो निजा तदा शरेण नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुने कीर्दिशन्ति मनजः शताक्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवेः भविष्यामि सुरा शाकेरादृष्टैः प्राणधारकैः शाकं भरेति विख्यातं तदा यासामहं भुवे तत्रैव जावदिष्यामि दुर्गमाख्या महासुरं दुर्गादेवेति विख्यातं तन्म नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि मुनीनान्द्राणकारान् मुनया सर्वे सोषन्त्यानं प्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्म नाम भविष्यति जलाणाख्यस्ते लोके महाभादं करिष्यति तदाहं भ्रमरं रूपं कृत्वा सङ्घषट्पदं त्रैलोक्यस्य दाताय भरिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणे देशमालोका सदा शोषन्ते सर्वतः इत्थं यदा यदा भादा दानवोत्ता भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामरि ओ। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम विद्युद्गाम समा प्रभा मृगपते स्कन्धासिनाभेषणाम् कन्या विकरवारकेन विलस हस्ताभिरासेविता हस्ते चक्रगदाधिकेन विशिकाश चापुरजने विभ्राणामनलात्रिकां शशिधरां दुर्गात्रिनेत्रां भजे ॐ देव्योवाच देवि समेशमानित्यं शौचदयः समाहितः तस्याहं ज्वालावादां नाशयिष्यामि संशयम् मलोकैरवनाशं च महिषासुरघातनम् केतयिष्यन्ति यतवदं शम्भन शम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यानवम्यां च कचेतसः शोषन्ति च वये भक्ता मम माहात्मोत्तमम् नो तेषां दुष्यतं किञ्चित् दुष्यतोत्थ न चापदः
ప్రవేశం శత్రుతో నాభయం దస్యతో వానరాజతః శస్త్రానలతో యోగా కదాచిత్ సంభవిష్యతి తస్మాన్మవేదన్ మహాత్మ్యం భరేతవ్యం సమాహితైః శోరభ్యం చ తథా భక్త్యా పరం సస్తయనహిత ఓంకారాణ శేషాంతో మహామారి సమద్భవాన్ పరాత్రిగణమోత్వాగమాహాజ్ఞం శమేన్మమ యత్తత్పఠ్యతే సమ్యగ్ నిత్యమాయతరే మమ సదానాతద్విమోక్ష్యామి సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితం పరిప్రదానే పూజాయామగ్నికారే మోహసరే సర్వమనైతచ్చరితం ఉచ్చార్యం శాభ్యమేవ చ జానతా జానతా మామి బలి పూజాం తథా కృతాం పరిశిష్యామ్యహావేద్యావన్నిహోమం తథా కృతం శరత్కాళ మహాపూజా క్రియతే యాజమాశికే తస్యాన్మహేతన్మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తి సమన్వితః సర్వాభారాభ్యుజర్భుక్తో ధనధాన్యాసుతాన్వితః పునశ్యామత్మసారేణ భవిష్యతేన సంశయః శ్రుత్వా మహేతన్మాహాత్మ్యం తథా చోత్పత్తయః శుభాః పరాక్రమం చ యుద్ధేషో జాయతే నిర్వ్యః పుమాన్ సంశయం జాన్ని కళ్యాణం జాపబధ్యతే నందతే చ కులం వంశ మహాత్మ్యమ శృణ్వతాం శాంతికర్మణి సర్వత్ర తథాతు స్వప్న దర్శనే గ్రహవీరాసు సోగ్రాసు మహాత్మ్యం శృణుయాన్ మమ ఉపసర్గాః శమం జాన్ని గ్రహ పీడా చ దారుణాః దుస్వప్నం చ నిర్దిష్టం సుస్వప్నముపజాయతే బాలకాభిభూతానాం బాలానాం శాంతికారకం సంఘాతవేదేశినాం మైత్రీకరణమత్తమం దుర్వృత్తానాం శేషాణాం బలహానికరం పరం రక్షభూతపిశాచానాం పరణాదేవనాశనం సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యం మమ సన్నిధికారకం పశుపుష్పాగ్రధూపే చ గంధదీపే తథోత్తమైః విప్రాణా భోజనే హోమై భోక్షణేయర్హరణ్యశం అన్యశాభిదే భోగై ప్రదానేర్దస్సరేణయా ప్రీతిమే కృతే సహస్రం సక్రే సూచయతే శృతే శృతం హరతి పాపాని తథారోగ్యం ప్రయచ్చతి రక్షాం కరోతి భూతేభ్యో జన్మనాం కీర్తనాం మమ యుద్ధేషు జరతం జన్మ దుశ్చరితనివర్హణం వైదికృతం వయం పుంసాం నయతే యుష్మాభిశ్చాచ బ్రహ్మశ్రీకృతా బ్రహ్మణా చాతో ప్రయచ్చందేషమతి అరణ్య ప్రాంతరే వాపి దావానే పరివారితః దశునిరావృతాశూనే గృహేతో వాపి శత్రువిః శ్రీగజాజ్ఞానుయాతో వా వనే వావనహస్తిభిః రాజ్యాశుద్ధేన చాజ్ఞత్వా మద్యా మందగతాపి వా ఆగుణయో వా పాదేన సుతా పోతే మహానవే పదస్తూచాభి శస్త్రేషో సంగ్రామే వృషదారుణే సర్వాభాధాసు ఘోరాసు వేదనాభ్యర్థిలోపి వా స్మరణమే తచ్చరితం నరముచ్చేత సంకటాత్ ప్రభావాసింహాద్యాదస్య వో వేరిణస్తథా దూరాదేవ పలాయంతే స్మస్తశ్చరితం మమ ఋషువాచ ఇత్యుక్త్వా సా భగవతీ చండికా చండవిక్రమ పశ్యతామేవ దేవానాం తత్రైవాంతరధీయత దేవి దేవానిరాశంకా స్వాధికారాణితా పురా యజ్ఞభాగభుజా సర్వే చక్రుర్వినిహారయ దేత్యాచ్యాశుంభే దేవరిపాయుధి యగద్విధ్వంసనే తస్మాగ్రే తుల విక్రమే విశుంభే చ మహావీర్య శేషా పాతాళమాయయుః ఏవం భగవతీ దేవీ సాన్నిధ్యాపి పునః పునః సంభూయ కురుతే భూమ జగతా పరిపాలనం హేయం మోయతే విశ్వం సేవ విశ్వం ప్రసూయతే
सजायिता च विज्ञानं तुष्टा हृद्यं प्रयच्छति व्याप्तं देश सकलं ब्रह्माण्डं मनजश्वर महाकाल्य महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टिर्भवत्या श्रीकरोति भूतानां सेवकाले सनातने महाकालिनां सेवा लक्ष्मी मृत्युर्दागृहे सेवा भावे सदा लक्ष्मी विनाशायोपजायते तुरा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिवित्तदा तदादिवित्तं भूत्वा च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवोवाच शिवो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डे जापः शुभो भवेत् न कवचं न किला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं न विधानं च नानासोनं च वार्जनम् कुञ्जिकापाठमासेन दुर्गापाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं सम्मनो चाटनादिकं पाठमात्रेण संसृत्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं हं सं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दने नमस्ते जवाहरिणे नमस्ते महिषादिने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च शुम्भासुरघातने व्याघ्रमहि महादेवी जपन् सिद्धं करिष्यामि ऐकारे दृश्यरूपाय ऐकारे प्रतिपालिका त्रीकारे कामरूपिणे बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाते च एकारे वरदायने निच्च च भयदा नित्यं नमस्ते मन्दरूपणे राधे पत्ने स्वामे भूम्बागधेश्वरे क्रान्ते कालिका देवे कांशे शुमे शुभं करो हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 बनाधने भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं ठं तं पयं शं हिन्दोहंशं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा ॐ पार्वते पुनां कांक्षीं कुं केसरे तथा सां सों सप्तशते देव्या मन्त्रसिद्धिं करिष्यामि इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागर्ति है तव अभक्तेनैव दातव्यं गोपिदं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीना सप्तशते पठे न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं यथा श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री दुर्गा आप दुर्धारा चुकं नमस्ते शरण्ये सुदेशानुगं पे नमस्ते जगत्याभिदेवे स्वरूपे
Yeah.
Yeah.
अपराध शतम कृत्वा जगदम् चरे या कदिं समवाप्नोति आदाम ब्रह्मादयासुरा पापराद्वस्वे शरणं पापस्वां जगदम्बिके इदानीं मनुकाव्यं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाभिस्मते भ्रान्त्या चिदानन्द विग्रहे विराणाचाभिमाप्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि भूयादि भूयभोक्तृत्वं गृहाणास्मर्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे वाली माता ते सदा जय कर शेर बलि जिदा बोल सांचे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओम का अक्षय गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्त जान तीन बार एक साथ ओम का अक्षय गणनाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसे अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माँ तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता इसी प्रार्थना। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी तम स्तुता स्तुते का वा भवन्तु परमोक्त्या। देवी
जब तुम सर्वरूपा देवी सर्वथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति होगी। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ति नारायणी नमोस्तुते। कला काष्ठादि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था पर वर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली शरणागत बसला तीन नेत्र वाली गौरी हो। हम सभी भक्तियान भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया जोता वाली माता तेरे सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, देवताओं पर भी जब कोई संकट का आदान पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है, तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर कर दिया। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न दुर्गम नाम का एक दैत्य था, जिसने ये जाना कि देवताओं का बल भेद है, इसलिए उसको छीन लेना चाहिए और इसके लिए उसने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रकट होकर उसको वरदान मांग ले कहा। उसने कहा कि देवताओं के सभी भेद हैं वो मुझे प्राप्त हो जाएं और साथ में जो उनके जो मंत्र हैं वो भी मुझको मिल जाएं। ऐसा होने पर सभी देवगण जो वेदों को भूल गए, सभी मंत्र भूल गए और ऐसा होने पर स्वर्ग में जो होम की आहुति ना पहुंची, जिससे जो अनावृष्टि होने लगी, 100 वर्ष तक घोर अकाल पड़ गया, जिससे सभी तड़ाक कूप समुद्र जाल सूख गए, सभी देवगण जरा रहित होते हुए जराग्रस्त हो गए। तब वो कंदरों में बैठ करके जो दुर्गा माता जी की आराधना करने लगे। हे माँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्ति से समन्वय करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन संहार कराती हैं। हे माँ, आप प्रकट हो, उनकी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के माता जी ने अनेक नेत्रों से युक्त होकर के उनको दर्शन दिया। उनका विग्रह जो कज्जल के वर्ण का था। उनका शरीर का विग्रह कजल के समान था और नेत्र उनके लाल कमल के समान थे। उन्होंने अपने हाथों में धनुष बाण लिया हुआ था, कमल के पुष्प लिए हुए थे और सभी रसों से युक्त पल्लव इत्यादि थे और भक्तों का दुख देख करके कि 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई है, घर घर में शवों का ढेर लग गया था, स्थिति जहाँ तक आ गई थी कि भूख से व्याकुल हुआ मनुष्य मनुष्य को खा जाता था, ऐसी स्थिति को देख करके दया के भाव से करुणा युक्त होकर के माता रानी जी अपने उन शस्त्र नेत्रों से नौ रात तक आंसू बहाती रही और जिससे सभी समुद्र तृप्त हो गए, औषधियाँ तृप्त हो गई और उस समय देवता प्रसन्न होकर के माता जी स्तुति करने लगे। हे माँ, आपके सिवा कौन ऐसा कर सकता था जो 9 रात तक अपने शस्त्र नेत्रों से आंसू की जलधारा बहाती रही, ये देख करके कि संसार में दुर्भिक्ष छाया हुआ है। उस समय देवताओं ने उनको शाकुंभरी नाम से पुकारा और कहा कि हम भूख से व्याकुल हैं, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। उसमें माता जी ने अपने हाथों में जो शाक इत्यादि पल्लव थे भक्तों को देवताओं को खाने के लिए दिए। ऐसा देख करके दुर्गम जो दैत्य था वो अपनी चतुरंगी सेना जो 1000 अक्षौणी सेना लेकर के माता जी के देवताओं के साथ जो युद्ध करने की वो अग्रसर हुआ। उस समय उसने अपने वाणों द्वारा देव सेना को अवरुद्ध कर दिया। माता जी ने एक चक्र बना दिया जिससे
दो देवताओं की रक्षा होने लगी और स्वयं युद्ध करने के लिए आ गई। मादा के शरीर से शक्तियां प्रकट हुई जिन्होंने दुर्गम की 100 से जो 91 सेना थी उसका नाश कर दिया और फिर स्वयं जो दुर्गम था मादा के साथ युद्ध करने आया उससे उसने लाल वस्त्र पहने हुए थे, लाल चंद्र का लेपन अपने शरीर पर किया हुआ था। तब वह मादा के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध 2 प्रहर तक युद्ध हुआ, उसमें उसने माता जी ने 5 बाणों द्वारा उसके 4 घोड़ों तथा सारथी का वध कर दिया, 2 बाणों द्वारा उसके नेत्र बेन दिए, 2 से बाजू काटे और 5 बाण उसके बख्याथल में लगाए जिससे वो रक्त का भवन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके शरीर से तेज निकला तो माता जी के तेज में समा गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की, आकाश से पुष्पों की वृष्टि की और सभी देवगण सुखी हो गए। उसमें माता जी ने कहा कि मेरा उत्कृष्ट विग्रह वेद जिसके नाश होने पर आपने देखा आपको कितना दुख हुआ है, इसलिए इसकी सदैव आपको रक्षा करनी चाहिए और मेरा शाकुंभरी तथा दुर्गम दैत्य को मारने के कारण मेरा दुर्गा नाम इसका आपको स्मरण करना चाहिए। माता जी ने वेदों को लाकर के देवताओं को दिया जिससे देवगण प्रसन्न हुए और वो पुनः माता जी की भक्ति में तत्पर हो गए। माता जी ऐसा वरदान देकर अंतर्धान होगी है। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि हम भक्ति नहीं देवता या घोर संकट पड़ जाते हैं उस समय वे इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संबंध कर रही है। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के 3 स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती जा रही है जिसमें आप स्नान करते हैं चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज सूरज चंद्रमा भटक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलो रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कालिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल है केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः इसका जाप करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश में समृद्धि मान प्राप्त होता है और क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है। आपके शत्रुता रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्छे 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 सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की। घर में नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें जिससे तीनों शक्तियां आपको सदा प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में सुन जो माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से अपनी मधुर वाणी प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शिरवली राय बोल सच्चे दरबार की जय। दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है मैया बोल दे
भाई बंधु कुटुंब कबीला सभी ने आंख दिखाई सभी ने आंख दिखाई सभी ने आंख दिखाई अरे आए पाप पुराने अब तो बनो सहाई मां अब तो बनो सहाई मां अब तो बनो सहाई भाई बंधु कुटुंब कबीला सभी ने आंख दिखाई सभी ने तेरा सहारा मैया हो अब तेरा सहारा मैया तीनों लोगों ने पाया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है दुखों ने घेर लिया जगत तेरा घबराया है प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर जयकारा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार की जय मेरी मैया तुम्हें भक्तों को आजमाने की आदत है मेरी मैया तुम्हें भक्तों को आजमाने प्यार का भूखा
मुझे गाने की आदत है सदा गाऊं मैं गुण तेरे मुझे गाने की आदत हाँ मेरी मैया तुम्हें भक्तों को अजमाने की आदत है मेरी मैया तुम्हें भक्तों को अजमाने की आदत हाँ मगर भक्तों को भी हर कष्ट सहजाने बदल जाए ये जमाना मगर मैं मुँह ना मोड़ूंगा बदल जाए ये जमाना मगर मैं मुँह ना मोड़ूंगा मुझे जितने भी गम दे दो मुझे सहने की आदत है मुझे जितने भी गम दे दो मगर भक्तों को भी हर कष्ट सहजाने की आदत है मगर भक्तों को भी हर कष्ट सहजाने की आदत छुड़ा करके अगर दामन मैया जी ठुकरा जाओगे छुड़ा करके अगर दामन मैया जी ठुकरा जाओ ना पिछाया पता छोड़ो मुझे कब तक रुलाओगे ना पीछाया पता छोड़ो मुझे कब तक रुलाओगे ये दामन से लिपट जाना ये दीवाने की आदत है ये दामन से लिपट जाना ये दीवाने की आदत हमारी मैया तुम्हें भक्तों को अजमाने की आदत है मेरी मैया अजमाने की आदत हाँ मगर भक्तों को भी हर कष्ट सहजाने की आदत है मगर भक्तों को भी हर कष्ट सहजाने की आदत हाँ मेरी मैया तुम्हें भक्तों को अजमाने की आदत है मेरी मैया तुम्हें भक्तों को अजमाने की आदत अजमाने की आदत है अजमाने की आदत है जयकारा शिरोवल जी का बोल सच्चे दरबार की जय एक बयान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल जयकारा शिरोवल बोल सच्चे दरबार की जय हुण तारण दा वेला भवानी अवतारण हुण तारण दा वेला भवानी अवतारण दा वेला तारण दा वेला भवानी अवतारण दा हुण तारण दा वेला भवानी अवतारण दा वेला अवतारो मा हुण तारो अवतारो मा हुण तारो अवतारो मा हुण तारो अवतारो मा हुण तारो हुण तारण दा वेला माया अवतारण दा वेला हुण तारण दा वेला माया अवतारण दा वेला हुण तारण दा वेला भवानी अवतारण दा वेला हुण तारण दा वेला भवानी अवतारण दा
Avatar and 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 Avat
Thank you.
रुभगीयमाना कोलाहलेरा कलिता तवासु विद्याधरी नित्य कला सुखाय सचिया जोता वाली माता तेरी सदा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतान् पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ यज्ञैः कृतेन तं तन्नम् वर्धयस्य सत्याः सन्तु जरमानस कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय Hey!
अभी परम पूजनीय श्री प्रजाजी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। कल्याणी जय माता दी, महारानी जय माता।
रानी गंजी जय माता दी लक्ष्मी मैया जय माता दी रक्ष सवारी जय माता दी हरे खजाने जय माता दी चोला याने जय माता दी सरस्वती मां जय माता दी हंस सवारी जय माता दी विद्या गंजी जय माता दी ज्ञान गंजी जय माता दी बुद्धि गंजी जय माता दी भक्ति गंजी जय माता दी जय जय हो जय जगदंबे जय जगदंबे जय जय हो जय जगदंबे जय जगदंबे जय जगदंबे जय जय हो जय जगदंबे जय जगदंबे जय जगदंबे जय जय हो जय जगदंबे 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 जय अभी सभी भक्त दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम देही मे परमं सुखम देही मे परमं सुखम रूपम देही जयम देही रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो रही यशो देही दिशो रही सर्वमंगल मंगल्ये सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ओम शांति। अभी परम पूजनीय श्री प्यारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया पर जो घट करे जो जगना ध्यान करे Thank you.
खड़गम चक्र गदेशु चाप परिदां शोलंब शुन्निंचना शंकम कंगदतेंकरेशि नयना सर्वांग भूषाकृता नीला शब्द विमास पाद दशता देवे महाकालिका ज्ञावतो सपिते हरो कमलजम अंतम मधुकेतवम अक्षतर्पर्शं गदेशु पुरुषम पद्मं धनुष्कुंडिका दण्डं शक्तिमसिंच धर्म जलजम दण्डासुरावाजनम शूलं आशसुरक्षणे जगलुके अस्ते प्रसन्नानना देवे तेरुवर्धने मे महा लक्ष्मी सरोजस्थिता घंटा शूलहलानि शंख मुदले चक्रं धनुसायकम् हस्ता दीर्घदेहनाद विरसन् चेता चतुल्यप्रभा गौरी देहतमोद्भवान्तिजरदा आधारभूता महा जयकारा मां शेरावाली बोलो आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।